अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इंग्रेडिएंट यानी खास मसाले तैयार कर लेने हैं जो सबके घर में होता है। तो हमें ले लेना है जैसे पुदीना, हरी धनिया, अदरक, लहसुन, थोड़े बहुत गर्म मसाले, हरी मिर्च और ज़ीरा। अब इसी के साथ हमें सौंफ भी ले लेना है। ये सारी चीज़ों को हमें मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है। पहले ऐसे ही पीसिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। जितना बारीक पेस्ट होगा उतना ज़्यादा टेस्टी होगा पुलाव। ये देखिए, इसके बाद हमें टमाटर ले लेना है। मैंने 4 से 5 टमाटर ली हूँ, उसे ऑमलेट चॉप काट लीजिए। प्याज ले लेना है, 2 से 3 प्याज है ये, इसे भी कट करके पहले ही रख लेना है। और बघारने के टाइम पे हमें ये सारी चीज़ों की इंग्रेडिएंट की यानी ज़रूरत होगी। मैं जब आपको ऐड करते जाऊंगी, मतलब इन कंटेनर में, तब आपको बता दूंगी। मैंने यहाँ पर घी ऐड करी हूँ, इसी के साथ ऑयल यानी दोनों इक्वल क्वांटिटी में मैंने ऐड कर दी हूँ। इसी के साथ थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देना है, तेज़पत्ता ऐड कर दीजिए 2 से 3, जावित्री, लकड़ी, और आपके पास अगर फूल हो उसे भी आप ऐड कर सकते हो, यानी जो मसाले वाले फूल होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। क्रैकल होने के बाद हमें प्याज ऐड कर देना है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए गोल्डन ब्राउन टर्न कर लीजिए। बिल्कुल इस तरीके से हो जाना चाहिए, परफेक्ट जब टर्न होगा तभी अच्छा होगा मसाला। अब टमाटर ऐड कर देना है, मिक्स कर दीजिए। सारे चिकन पीसेस जो हमने पहले ही धो के रखे होंगे उसे ऐड कर देना है, और इसी में ऐड कर दीजिए जो हमने ब्लेंड किए थे मसाले। थोड़ा सा मिक्सिंग जार में पानी लेके 1/2 कप के करीब दही ऐड कर दीजिए, मिक्स कर देना है। और नमक भी इसी स्टेज पे हमें ऐड कर देना है। यहाँ पर पाउडर मसाले में सिर्फ और सिर्फ नमक आएगा और कुछ नहीं। मिक्स करने के बाद अब हमें ये सारी चीज़ में पूरा भून लेना है, यानी पूरा पानी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट होने लगे तब तक हमें भूनना है। बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिए, तब तक हमें आगे की तैयारी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 घंटे से सोख करके चावल रखी थी, जिसे मैंने पानी से साफ़ कर ली हूँ 2-3 बार, और ये गर्म पानी पहले ही उबाल करके रख लीजिए, यानी बॉइलिंग हो जाना चाहिए उसकी। और ये हमारे जो मसाले हैं ये भी परफेक्ट टेक्सचर के आ चुके हैं, यानी स्टिक होने लगे हैं, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। जितना अच्छा भुना होगा उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। अब हमें पानी ऐड कर देना है जो हमने गर्म करके पहले ही रखे थे। तो पानी की क्वांटिटी चावल से डबल होनी चाहिए, यानी 3 गिलास चावल होगा तो 6 गिलास पानी लेना है हमें। ऐड कर दीजिए और सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। मैंने यहाँ पर गर्म पानी इस वजह से ऐड करी ताकि जल्दी से बॉइलिंग आ जाए। जितना जल्दी बॉइलिंग आएगी उतना जल्दी हम आगे की प्रोसेस करेंगे और हमारा पुलाव बनकर तैयार होगा। ये देखिए, बॉइलिंग आना शुरू हो गई, तो हम धोया हुआ चावल ऐड कर देंगे जो हमने 1/2 घंटे तक सोख करके रखे थे, और ये 3 गिलास चावल है। मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद अब हमें इसे ढक देना है, और बीच बीच में चलाते हुए जब तक इसका पानी पूरा ड्राई आउट नहीं हो जाए तब तक हमें इसे पका लेना है। जैसे हम नॉर्मल चावल बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनाइए। ये देखिए, हमारा परफेक्ट पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। जब इसका पानी ख़त्म हो गया था तब मैंने गैस की फ्लेम लो करके इसे ढक करके छोड़ दी थी। ये आप देख सकते हो पूरा परफेक्ट बन चुका है, और महक भी बहुत अच्छा आ रहा है। धनिया और पुदीने से गार्निश करके हमें सर्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।